टू माई चैनल। तो आपको पता है जैसे मैं न्यू क्लास में मैंने एडमिशन ले लिया, तो मैंने उसके लिए बुक्स कवर्स वगैरह सब चीज़ें ले ली थी। कवर भी मैंने ले लिए थे। तो ये रखी मेरी मेम स्लिप भी है। देखो मैं कितनी ज़्यादा हैप्पी लग रही हूँ ना न्यू चीज़ें देख के। जब मैंने ये बुक्स ली थी ना, तब मैं दीदी और भैया को कॉल करके बोल रही थी कि मैंने फिफ्थ नहीं पढ़ सॉरी सिक्स्थ नहीं पढ़ लिया। मेरे को फिफ्थ तो 20-30 बार पढ़ा था, लेकिन सिक्स तो मैं नहीं पढ़ूंगी। बुक्स को देख के बहुत डर लग रहा था, लेकिन जब पढ़ने लग गई हूँ बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। बस थोड़ा दिमाग में मैंने बढ़ना वो लगा लेंगे। तो अभी बस हम नेम्स लिखते हैं, उसके बाद ट्रांसपेरेंट कवर चढ़ाते हैं। और यही कर रही हूँ यार, जल्दी अपन को इतनी भी फसल दी है। सुबह सुबह ना मैंने एक न्यू टर्म पढ़ी पिज़्ज़ा रेस के बारे में, और मेरे को लिटरली मेरे को कुछ नहीं पता पिज़्ज़ा रेस क्या होती है। मल्टी कलर क्लोथ होते हैं उसे पिज़्ज़ा रेस को, मतलब ओके दैट्स नाइस। एंड मैंने आज ना पूरी ना इतनी लॉन्ग ये शॉर्ट है ना पूरी लॉन्ग है, इतनी बहुत लॉन्ग है ये, मेरे को अच्छी लगी। रेनबो वाली खुली भी है तो मज़ा भी आएगा। एंड ये लॉन्ग ड्रेस है, ये लॉन्ग ड्रेस है। और क्या बोलते हैं पिज़्ज़ा ड्रेस? नहीं इसको नहीं बोलते। एक चीज बताओ, आपको अप्रैल फूल बनाया यार। को बोलती न्यू टर्म तो ना सुबह सुबह बड़ी वो बताए ना बाकी सारे झूठा मीन जिसने मेरे को उल्लू बना लिया अप्रैल फूल। फ्रेंड्स आज मेरा सिक्स क्लास का फर्स्ट डे है, और मेरी यूनिफॉर्म भी इसी के साथ चेंज हो गई है। सलवार कुर्ता बोरिंग सर यूनिफॉर्म है, पर कोई बात नहीं पहन लेंगे ये। तो चलो रेडी हो के आपसे मिलती हूँ, बाय। सो फ्रेंड्स ये मेरा सलवार है। तो ये देखो मेरा दुपट्टा जो कि मैं नहीं संभाल पा रही थी। सो फ्रेंड्स फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ इतने टाइम के, देसी घर लग रही कोई बात नहीं, हमने अपनी संस्कृति प्रथा भी तो चलानी है। सुंदर ही लग रही हूँ मैं, बहुत प्रीटी लग रहे हो। हाँ ये मेरा घर स्कूल का लंच है, जो कि आप देख सकते हैं मैं घर पे खाने लग चुकी थी। तो उसके बाद स्कूल का टाइम हो गया, तो मैं जा रही हूँ। मैं पता कितनी बड़ी हो गई हूँ, सिक्स क्लास में पहुँची हूँ, इसलिए मैं खुद स्कूटी लेके। तो फ्रेंड्स वो साथ में मेरा स्कूल है, तो अभी मैं जा ही रही हूँ। थोड़ा भीग ही चुकी थी इसलिए और भीग जाता, मैंने सोचा मैं मजे ले रही थी या। तो रात को देखो मैच लगा रहे थे मम्मा और मेरे मैच था। तो रात को देखो मैं कितना शोर डाल रही थी, फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे पापा को भी खेलने के लिए ला लिया, और पापा इतनी जोर जोर से मार रहे थे मेरे से कैच ही नहीं हो रहा था। तो मुझे ये चीज़ जो मैंने लाई थी वो मुझे ट्राई करनी थी, लेकिन मेरा बहना मेरे को बोल रही थी कि ये नहीं गंदा होता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है, ये ना नालियों का पानी होता है। मैंने बोला अरे यार मेरे को टेस्ट तो करने दे, कलर ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा। तो इसने ना मेरे को बाहर ही लॉक कर लिया, फिर बड़ी मुश्किल से मैं बाहर गई, उसको भी उठा के ला लिया, अंदर भी आ गई। पर एक चीज़ बताऊँ, हमें ना बड़ों की बात सुन लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही मैंने टेस्ट किया था ना उसका बहुत गंदा टेस्ट था, उसके बाद मैंने फेंक ही लिया था। No. तो अभी भी मैं इससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि एक बार प्लीज़ हमको वो चीज़ टेस्ट करने के लिए दे दे। चल कर कर ऐसे खोल, ठीक नीचे से गिरी हुई चीज उठा रही है देखो। मेरी है, मैं क्या करूं? तो जैसे ही मैंने ये थोड़ा सा खाया ना, तो आपने मेरा रिएक्शन देख लिया होगा कैसा मेरा फेस का वाहियत बन गया था। ओके बाय।